आप इन रोजमर्रा की चीजों के सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानते थे। अगर आप इस नंबर को डायल करोगे तो आप इस धरती के सबसे एक्सपेंसिव नंबर को डायल कर रहे हो। कैसे वॉशरूम में जाके ये करने से आप करोड़ों कमा सकते हो, हैं? लेकिन वो कैसे यार? और ये फेमस मूवीज को कहाँ से कॉपी किया गया है, ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो इस पे 30K का एम बनता है, तो अभी लाइक कर दो यार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। नंबर 16, क्या आप जानते हो आपके लेजी होने के पीछे आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो आपके दादाजी की है। लेकिन वो कैसे? दरअसल पहले बहुत टाइम तक लोगों को खाना नहीं मिलता था, शिकार करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी, इसलिए जब खाने की कमी होती थी तो हमारे एंसेस्टर का ब्रेन उन्हें लेजी बना देता था, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा सके, जिससे शिकार के टाइम पर वो आसानी से शिकार कर सके। लेकिन अब तो खाने की कोई कमी नहीं है, तो अब हम अपनी लेजीनेस के खुद ही जिम्मेदार हैं। नंबर 15, शुरू में मूवीज को बिना साउंड के ही बनाया जाता था, लेकिन 1927 में पहली बार मूवीज में साउंड भी आने लगा। उसके बाद 2 साल बाद यानी कि 1929 में पहली बार एक मूवी में एक गाली को यूज किया गया था, वो भी सिर्फ मूवीज में साउंड आने के सिर्फ 2 साल बाद। वाओ। नंबर 14, क्या आप जानते हो इंग्लैंड में आप रोने वाले को हायर कर सकते हो अपने लिए? वैसे तो ये कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ये चीज बहुत पहले से हो रही है, जिसमें अगर आपके घर में किसी की मौत हो गई तो रोने वालों को पैसे देकर बुलाया जाता है। नंबर 13, आप जानते हो दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर क्या है? दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर है 666666। कतार की टेलीकॉम कंपनी ने 2006 में एक चैरिटी ऑक्शन की थी, जिसमें इस नंबर को $2.75 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। नंबर 12, आयरन नील शायद ही आपने पहले बनती देखी होंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड में बनाई जाती है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे नेल को नीचे प्रेस करके उसका हेड बनाया जाता है, जिसके बाद इसे उठाकर इसे कट कर दिया जाता है और आपकी नेल रेडी हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट होता है जिसे आप नॉर्मली देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये मशीन 1 मिनट में 180 नेल्स को बना देती है। नंबर 11, सबसे ज्यादा लोग यूरोप में ट्रैवल करते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये फोटो जरूर क्लिक करते हैं मेमोरीज के लिए। तो इस मैप में आप देख सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोज कहाँ पर क्लिक की जाती हैं। जो एरिया ज्यादा ब्राइट है वहाँ पर उतने ही ज्यादा फोटोज क्लिक किए जाते हैं, और आप इसमें क्लियरली यूरोप के पार्ट को बहुत ज्यादा ब्राइट देख सकते हो। नंबर 10, सिविल वॉर के टाइम पर पूप करना आपकी जान बचा सकता था। 1860s में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसमें 6 से 7 लोग मर गए थे, लेकिन आपका पूप करना इस जंग में आपकी जान बचा सकता था, क्योंकि इस टाइम पर अमेरिकन सोल्जर्स में एक कोड ऑफ ऑनर था, जिसे आप एक तरह से रूल भी कह सकते हो, जिसमें ये था कि किसी भी पूप करते हुए इंसान को नहीं मार सकते। नंबर 9, क्या आप जानते हो पूरी दुनिया में 72% लोग ऐसे हैं जिन्हें सारे क्रिएटिव आइडिया शार में ही आते हैं। काफमन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज पर रिसर्च की थी और बताया कि अच्छा सोचने के लिए हमारे दिमाग को रिलैक्सेशन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए जब हम शार लेने जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है, इसलिए नहाने के बाद हम फ्रेश फील करते हैं, और हो सकता है कि कोई $1 मिलियन आइडिया भी निकल जाए। नंबर 8, आखिर कैसे मूवीज में आपको पागल बनाया जाता है? बहुत सारी मूवीज में आपने एक्सीडेंट के सीन्स देखे होंगे जो देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं, लेकिन असल में उन्हें कुछ इस तरह से शूट किया जाता है। पूरा एक मिनी सेट बनाया जाता है जिसमें सारी डिटेल्स का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि टॉय कार में भी आग लगाई जाती है, जिसके बाद इसे शूट करते हैं। लेकिन असली मजा साउंड इफेक्ट से ही आता है, क्योंकि इस फाइनल वीडियो में आप देख सकते हो साउंड इफेक्ट्स लगाते ही ये बिल्कुल रियल लग रही है। नंबर 7, फिजेट स्पिनर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इसके फायदे जानकर आप भी इसके फैन हो जाओगे, क्योंकि फिजेटिंग करने से आप एक दिन में 350 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो, मतलब मजा का मजा और एक्सरसाइज भी। नंबर 6, दिमाग की एक इतनी बड़ी कमजोरी है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, और वो है इंसान की मेमोरीज। इंसान की मेमोरी से ही पूरी लाइफ बनती है, लेकिन इन्हीं मेमोरीज को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और वो भी इस हद तक कि आपको सिर्फ 3 घंटों में यकीन दिलाया जा सकता है कि आपने अपने टीनेज के सालों में कोई क्राइम किया था। और सेम ऐसे ही आजकल न्यूज और मीडिया इंसान के दिमाग को नई इन्फॉर्मेशन से मैनिपुलेट करते रहते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो सही है या गलत। नंबर 5, इस इंसान का खुद को यमराज से मिलाने का तरीका आपकी भी जान ले सकता है। 2010 में माइकल हेसमैन नाम के एक आदमी ने अपने आप को गोली मारकर जान ले ली थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने पूरे 5 साल तक एक ईमेल लिखने में निकाल
निकाल दिया जिसे वो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भेजना चाहते थे, और वो ईमेल 1905 पेज का था, जिसे देखकर वो सब भी शॉक हो गए थे। लेकिन उसमें ऐसा क्या था? असल में उसमें निहिलिज्म के बारे में बात की थी, जिसका मतलब ये था कि हर इमोशन, हर थॉट एक ही बात पर आकर रुकता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, और अगर लाइफ मीनिंगलेस है और इसका एंड डेथ ही है तो आपकी हर चॉइस, हर एक्शन, किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए उसने लाइफ से ऊपर डेथ को चुना। वाह भाई। नंबर 4, बेब रूथ दुनिया के बेहतरीन बेसबॉल प्लेयर में से एक थे, जिनके सीक्रेट जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। जैसे कि हमें पता है कि बेसबॉल एक आउटडोर गेम है जिसे धूप में खेला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी हीट होती है। लेकिन रूथ अपने आप को कूल रखने के लिए बहुत ही अजीब चीज करते थे। असल में ये अपनी टोपी के नीचे कैबेज का पत्ता रखा करते थे, जिसे ये हर 2 इनिंग्स में चेंज भी किया करते थे, क्योंकि बेसबॉल में 9 इनिंग्स होती है। नंबर 3, आखिर स्लॉथ अपने वेट को हर वीक में कम कैसे कर लेता है? स्लॉथ दुनिया के सबसे स्लो जानवरों में से एक है, जो इतने ज्यादा स्लो है कि ये पूरे दिन में सिर्फ 36 मीटर ही ट्रैवल करते हैं, जबकि ये ट्रीज पर रहते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से ये पूरे दिन में 15 से 20 घंटा तो सोने में ही निकाल देते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो खाना डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए ये सिर्फ वीक में एक ही बार पूप करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पूप में ही इनके 1/3 बॉडी वेट चला जाता है। नंबर 2, पिछले कुछ साल तो बॉलीवुड की हालत भी बहुत ज्यादा बेकार रही थी, लेकिन फिर से जवान और एनिमल जैसी मूवीज की वजह से बॉलीवुड फिर से जिंदा हो गया, लेकिन इसकी कॉपी करने की आदत अभी भी नहीं गई। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी कॉपीड मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। दिल बेचारा, ये मूवी सुशांत सिंह राजपूत की लाश मूवी थी, जिससे उनकी डेथ के बाद रिलीज किया गया था। जिन लोगों ने ये मूवी देखी है वो जानते हैं ये मूवी एक बीमार लड़की के बारे में, जिससे एक लड़की को बहुत प्यार हो जाता है। इस मूवी की स्टोरी को द फॉल्ट इन आवर स्टार नाम की एक नॉवेल से लिया गया है, जिसके ऊपर हॉलीवुड में भी एक मूवी बनी थी। नेक्स्ट मूवी भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, लेकिन लोगों ने इसके लिए बहुत ज्यादा बॉयकॉट ट्रेंड चलाए थे, और इसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, जिसे फॉरेस्ट गम नाम की एक मूवी से लिया गया है, जिसे 1994 में रिलीज किया गया था। लेकिन कॉपीड मूवी के साथ साथ अगर किसी मूवी को सबसे ज्यादा हिट किया गया है तो इस मूवी का नाम है आदि पुरुष, जिसके VFX देखकर तो लोग सच में पागल हो गए थे। लेकिन इस मूवी के इतने सारे सीन्स हॉलीवुड से कॉपीड हैं, जिन्हें आप साफ साफ देख सकते हो। जैसे कि क्लिप में ये सीन्स एवेंजर्स मूवी से बिल्कुल सेम है, और रावण की लंका को एसगार्ड से कॉपी किया गया है, और पानी में बैठने वाली ये सीन भी क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन मूवी से लिया गया है। लेकिन सब में एक चीज कॉमन आपने नोटिस की है कि ये सारे सीन्स जिन मूवी से लिए हैं उन सब में क्रिस हेम्सवर्थ है। अगर ये डिटेल आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक आप भी कर दो। सिद्धार्थ मल्होत्रा वैसे तो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, जिन्होंने शेरशाह और एक विलन जैसे हिट फिल्म्स दी हैं, लेकिन इनकी ऐसी मूवी थी जिसका सॉन्ग तो बहुत हिट हुआ था लेकिन मूवी नहीं चली, जिसका नाम है थैंक गॉड, जिसमें अजय देवगन भी थे। इस मूवी में सिद्धार्थ बहुत ही ईगो वाले इंसान होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद गॉड उनके साथ हेवन और हेल में जाने के लिए उनके साथ एक गेम खेलते हैं, और इस मूवी की इंस्पिरेशन डैनिश मूवी यानी कि डेनमार्क की मूवी व्हाट गोज अराउंड से ली गई है। नंबर 1, आपकी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके सीक्रेट यूजेस से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो, या फिर उन्हें फन के लिए भी यूज कर सकते हो, और आपको इसमें बहुत मजा आएगा। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इस दूध के कप में मलाई जम जाती है, ये लड़की उस पर तन्नू नाम लिख रही है, जो किसी को मैसेज देने के लिए सच में बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। अगर आप में से कोई भी नाराज हो तो ये तरीका ट्राई करके देखो, शायद मान जाए। और क्या आपके कपड़ों में ये कॉटन जैसी रुई आती है, और ब्लैंकेट से या फिर कपड़े धुलने के बाद, तो इसका रिमूव करने का मेरे पास बहुत ही सिंपल तरीका है, और आपके कपड़े इससे कभी खराब भी नहीं होंगे। इसके लिए आपको कोई खराब रेजर लेना है और उसे अपने कपड़ों पर स्लोली चलाना है, जिससे कॉटन के छोटे रुई निकल जाएंगे। आपके स्वेटर की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप न्यू शूज लेकर आए हो और वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो, जिसकी वजह से आपके प्यारी सी स्माइल में 2 दांत कम हो गए हो? वेल, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन इसका भी एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, जिसके लिए आपको सैंड पेपर लेना है जो आसानी से मिल जाता है, जिससे आपको अपने शूज पर अच्छे से रब करके फ्रिक्शन के लिए ट्रैक्स बना लेने हैं, जिससे आपकी शूज स्लिप नहीं होंगे और आप मस्त चमचमाते फर्श पर चल पाओगे। वैसे नेल पॉलिश तो यूजुअली सबके घरों में होता ही है, कई कई लोगों के घर में नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के घर में नेल पॉलिश यूज किया जाता है। लेकिन एक ऐसा सिंपल यूज आपकी आंखों को बहुत सुकून देगा। नहीं, इसे आंखों में नहीं डालना, असल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चश्मे पहनते हैं और उनके फ्रेम के स्क्रू लूज हो जाते हैं, जिन्हें बार बार टाइट करके वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर आप स्क्रू टाइट करके उसमें नेल पॉलिश डाल दोगे तो वो जल्दी से लूज नहीं होगा।